देखिए, मैं तो पहले दिन से ही बोल रही थी कि ये केस बेबुनियाद केस है, ये एक षड्यंत्र है और ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब है, गलत हो रहा है और ये अभी प्रोसिक्यूशन से हाथ से इतना बड़ा एक एविडेंस मिसिंग है, तो उसमें क्यों मिसिंग है, कैसे मिसिंग है, ये उनको कभी ना कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये चीज ऑब्वियसली जो कुछ भी हुआ है ये पूरा जस्टिस सिस्टम को ही, मैंने एक जो एक इन्वेस्टिगेट नॉट जस्टिस आई वुड से द इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम को ही, इन्वेस्टिगेशन को ही एक पूरा शक पे डाल रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन ही पहले दिन से ही उसमें बहुत सारे खोट थे जो धीरे धीरे एविडेंस के हिसाब से आ रहे हैं, उनके एविडेंस प्रोसिक्यूशन के इसीलिए रोज गिर रहे हैं या रोज बेबुनियाद होते जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत गलत तरीका से इन्वेस्टिगेशन हुआ और सही रास्ता से नहीं हुआ, जहां ये जाना चाहिए था, जो रास्ता में जाना चाहिए था वो पूरा डिविएट कर चुके थे। क्योंकि उस टाइम में जो मुझे जब अरेस्ट किया था उनका एक ही एजेंडा था कि कैसे दिखाओ ये गिल्टी है, लेकिन वो धीरे धीरे क्रम्बल होते जा रहा है, वो टूटते जा रहा है सामने से और आज यहां तक आ गया है कि जो बुनियाद पे उन्होंने जो एविडेंस की बुनियाद में केस बनाए थे आज वो बोल रहे हैं वो एविडेंस ही नहीं है। तो इसमें और कहने का, सुनने का, समझने का और आगे का आप खुद ही बोले क्या है इसमें, मैं क्या बोल सकती हूँ। देखिये, मैं कभी दावा नहीं किया था कि शीना जिंदा है। ये जो लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई भी सबूत, ठोस सबूत नहीं आ रहे हैं जिससे साबित हो सकते हैं कि शीना नहीं है, ये एक पार्ट है। दूसरी पार्ट है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं कोर्ट में कि शीना डेफिनेटली 2012 सितंबर तक तो जिंदा थी, वो तो एस्टैब्लिश हो चुका है कोर्ट में। तो फिर ये तो 2012 अप्रैल का तो मर्डर का तो सवाल ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी खत्म ही गिर ही चुके हैं वो बात। लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि दो तीन लोगों ने आके जो बोले हैं कि शीना को यहाँ देखा है, यहाँ मिला है। अभी मैंने तो खुद से ना ही, मैं कभी मिली नहीं हूं तो मैं दावा से नहीं बोल सकती हूँ कि वो शीना है। बहुत मिले जुले लोग भी होते हैं कि इसके शक्ल इससे मिल सकते हैं। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट जो हुआ है, जो सीबीआई की तरफ से आए है, प्रोसिक्यूशन ने जो बोले कि जो उन्होंने बोले थे कि पेन से कुछ ये मिले थे, जो बोन मिले थे वो आज गायब है या वो नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो उससे मेरी वो सोच वापस आ रही है कि शायद शीना जिंदा हो सकती है। क्योंकि जो आप बोले थे कि ये शीना के रिमेन्स है वो ही नहीं है, तो देन इट्स अ बिग मिस्ट्री नो कि क्या हुआ है। आपको जो इतनी साल की सजा मिली है, अगर आप उसमें गिल्टी नहीं आते हैं तो किस तरह से? नहीं, अभी तो गिल्टी होने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो पहले दिन। मैं उसमें जो अभी वो जुडिशियरी जो करेंगे वो जुडिशियरी का ये है, लेकिन ये जो मेरे सारे 6 साल जो बीते या जो मानसिक त्रास जो हुए मेरे मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरी छोटी बेटी के साथ, शीना अभी भी नहीं मिली है, ये कोई कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। ये समय तो कोई वापस तो नहीं दे सकते हैं मुझे, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि ये जो आइंदा ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और एक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो पुलिस के वर्दी पहनते हैं, उनको एक लोग विश्वास से एक वो वर्दी देते हैं, उसका गलत ये नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल। और मैं, मुझे यकीन है कि जो उस टाइम में राकेश मारिया ने जो ये इन्वेस्टिगेशन किया था, राकेश मारिया को वो असाइनमेंट दिया गया था मुझे फंसाने के लिए, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। क्योंकि मुझे तो मालूम है कि मैं निर्दोष हूँ, तो फिर और आज ये मुझे बोलने का मुझे मालूम था, लेकिन आज ये सबूत सामने से ही आ रहा है एक एक करके, मेरी सच्चाई का सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो प्रोसिक्यूशन ही देते जा रहे हैं मेरे सच्चाई। प्रोसिक्यूशन के विटनेस बोलते जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन खुद ही सामने ला रहे हैं मेरी सच्चाई या मेरे कि मैं निर्दोष हूं, ये अपने आप साबित होते जा रहे हैं। लेकिन शीना कहाँ है और इसके पीछे ये जो मुझे जो ये त्रास देने के पीछे कौन थे या जो मेरे बच्चों को जो त्रास मिले हैं इसके पीछे कौन है, ये जांच
کرنا بہت ضروری ہے. آج میرے ساتھ ہوئے, میں اسٹرانگ تھی, میرے جگہ میں اور کوئی ہوتے تو مر جاتے کبھی کے. تو اور وہی شاید وہ لوگ چاہتے تھے جو بھی میرے ساتھ ایسا کیا, بھلے وہ اپنے ہو بھلے وہ پولیٹیکل ہو, مجھے نہیں معلوم ہے. کیونکہ مجھے تو کبھی تب تک کبھی میرے مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے کوئی دشمن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کلیئرلی ہے. تو یہ چیز تو ہے, یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ مجھے پھنسانے کے لیے اتنے جھوٹا ثبوت اکٹھا کر کے, جو جھوٹا آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹا ایویڈینس تھا, تو وہ غلط ہے نا. کسی کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے. We have seen the new twist in the case. The evidence is missing of the bone of Sina. What is your thought on it? See, I in my personal view, I think no skeletal remains were ever discovered in 2012 May. It was all a concocted story, because it is very difficult to accept that from the custody of a premier agency like CBI, this form of crucial evidence can go missing. So I think that evidence never existed, and on account of this manipulated, botched up investigation, you know, by several kind of agencies and organizations, I think my two daughters and myself, we have gone through a lot. My entire life has turned topsy-turvy. My Sheena is still missing. My younger daughter, who was still a minor at that time when I was arrested, has gone through a lot of emotional turmoil and a lot of hardships in her life. And I think it is time that we take this up as a moral responsibility and a social responsibility to find out who did this to me and my daughters and why. I think that is the need of the hour. And I think the investigation itself was half-baked, and everybody was in a rush to charge sheet me because they were running out of time. And the necessary people must be, you know, interrogated again. Why a DNA expert had to cut out printed coordinates and change them to make a DNA report. He must be taken into custodial interrogation. And I feel that, you know, very strongly that since Rahul Mukherjee claims to be the fiancé of my daughter, and he claims that he had last seen her, and I think he needs to be taken into custodial interrogation, and you know, because there is nothing to establish that he ever filed a missing complaint or went to any police station ever to file a missing complaint. How can you not file a missing complaint of a person you are living with, a person you claim to love so much? You know, you would have turned, you know, everything upside down to file a report. And it has come on record that his own mother had given him, you know, the contact details of Parambir Singh at that time, who was in charge of the region. So why did you not go to Parambir Singh if no police station was taking your complaint? And neither Mumbai police nor CBI has been able to establish that Rahul Mukherjee ever went to any police station to file a missing complaint. In fact, on the contrary, he left Sheena's car, you know, in the airport, in the Mumbai airport, just, and he ran away. So, and without informing anybody, who leaves a car in a parking lot? So there are many unanswered questions, and I think he needs to be questioned. With this new development, till now, up until today, I've never thought about this. But today, several journalists asked me this question, that were you framed in this case because somebody was trying to protect Rahul Mukherjee and wanted to shift the blame to you? And this has never occurred to me. And I said, hang on, I mean, this is something very new. And this is when I thought that it is, I think, this could be a possibility of framing me. And on one hand, it is very easy to think
that, oh, it could be political, it could be this, but it could be jolly well personal. It could be a parent protecting someone. We don't know. And, you know, people go to any extent to protect their loved ones. And it could, there could be a possibility that I was put into this whole thing, dragged into this whole thing, just to protect someone who's the actual culprit. And it is time now, with all these things coming out, you know, it is time. See, truth is unfolding. I am not having to do anything to prove my innocence. The prosecution witnesses themselves are proving my innocence. The prosecution themselves, by making the statement today, has proved my innocence. That I was saying all this from day one, and today the truth is unfolding. So I think we need to pursue this. Why this has gone missing? Where is it? It cannot vanish from a CBI headquarters. I don't believe this. Either it never existed, that is one possibility, you know, or these remains obviously clearly were never of Sheena. From your surrounding, we have listened on many times that Sheena is still alive. What is your thought on that? See, I don't know whether Sheena is alive or not alive. I wish for her to be alive. Obviously, as a mother, that is going to be my only wish. And her welfare is my only kind of, you know, interest and my prayers. But I don't know what to say anymore. But this new revelation that the skeletal remains are missing gives me all the more reason to believe that she may be alive. There is a strong possibility, yes.